नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y20 वर्सेस Infinix Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y20 में 6.47 इंच जबकि Note 11S में 6.8 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y20 में 3 इंच जबकि Note 11S में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y20 में 0.33 इंच जबकि Note 11S में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि 20 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y20 में 192.3 ग्राम जबकि Note 11S में 212.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि 20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Y20 में 20:9 जबकि Note 11S में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y20 में 6.51 इंचेस जबकि Note 11S में 6.95 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y20 में 720x1600 और Note 11S में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y20 में 81.57% जबकि Note 11S में 85.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y20 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 11S में 387 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 20 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11S की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y20 में Adreno 610 जबकि Note 11S में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y20 में Qualcomm Snapdragon 460 और Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Y20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Y20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y20 में अप टू 256GB जबकि Note 11S में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y20 में Android V10 Q जबकि Note 11S में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y20 में 2 कलर्स जबकि Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y20 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,494 रुपीज, 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11S की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीज, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo Y20 में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 11S की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Note 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note 11S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 SE है, दूसरा Moto G10 Power है, तीसरा Vivo Y21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।